अम्बाला में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अम्बाला शहर के रणजीत नगर में देर रात अयान नाम के 19 वर्षीय युवक की गोलियां मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्यारों ने युवक के सिर में 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को घर से लगभग 200 मीटर दूर फेंक दिया। 19 वर्षीय अयान की हत्या की खबर मिलने के बाद से ही पूरे परिवार में मातम का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और मृतक की मां अम्बाला में ही एक स्कूल टीचर हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और क्राइम सीन टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अयान के सिर में 2 गोलियां मारी गई है और फिलहाल मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। हाँ, ये रात हमें सूचना मिली थी और ये अयान नाम का लड़का है जो कि रणजीत नगर का रहने वाला है, उसको गोली लगी थी। गोली लगने से उसकी डेथ हो चुकी है और उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बस अभी तक तो यही है भी किसी रंजिश के कारण ही ये हुआ है, बाकी अभी तक कोई ऐसी जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके मुताबिक। सर, मृतक की उम्र क्या है? तकरीबन 19 साल। अयान नाम के युवक की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं युवक की हत्या किन कारणों से की गई है इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। बहरहाल गम में डूबे परिजन फिलहाल कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर पुलिस इस मर्डर की गुत्थी को कब तक सुलझा पाएगी। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।